कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट गाजर का हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल रॉयल सा टेस्ट है, बिल्कुल रॉयल, शानदार, बहुत शानदार। मैं वर्ड्स में शायद बोल ना पाऊँ, इसके लिए आपको मेरे स्टाइल में बनाना होगा और टेस्ट करना होगा। काफ़ी ज़बरदस्त सा है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी हेल्दी है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी भी और बहुत सारी अच्छी अच्छी साथ में बातें भी होती जाएंगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, मैं लास्ट में एक बहुत ज़बरदस्त सा आपको टिप भी देने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और आप सभी को थैंक्स और शुक्रिया भी कहती चलूँ कि आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को लाइक किया, बहुत अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स भी किए। और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे भी कह दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए। फ्रेंड्स, गाजर जो है मार्केट में आ चुका है और आपके मेरे घरों में भी आ चुका है। ये सीजनल वेजिटेबल जो है इतना शानदार है कि ये बनते ही घर में प्यार खुशी की लहर दौड़ जाती है कि गाजर का हलवा, वाह। मतलब ये हमारी स्किन को भी निखारता है, रंग रूप को भी निखारता है, आँखों की रोशनी को भी अच्छा करता है। बहुत आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि विटामिन ए है इसमें। और अगर किसी को हेल्थ अपना कम करना है, वज़न कम करना है, हेल्थ कॉन्शियस है अगर कोई, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, यूँ कहूँ। बहुत सारे इसमें अच्छे एलिमेंट्स हैं और बहुत हेल्दी है हमारे लिए, तो हम सभी को ट्राई करना चाहिए। और घर में जब ये हलवा बनता है तो सारे लोग जो है हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, काफ़ी आपको कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं, घर में खुशी का माहौल हो जाता है। इस तरह का डिज़र्ट अगर इतना शानदार बने और खुशबू जो है सारे, देखिए मेरे कमरे में फैल गई है, तो आप भी चलें मेरे साथ ये हलवा ट्राई करें। ये जाड़े की सर्द धूप देखिए, बिल्कुल हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी धूप कमरे में आ रही है, ये देखें। और यहाँ मेरा हलवा तैयार है, आ चुका है। सारे लोग खाने को एकदम बेचैन हैं कि जल्दी दो। ये इसका लुक है, ये एकदम ज़बरदस्त पिस्ता किशमिश और बहुत दरदरा सा, खोआ खोआ सा। और काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात कि काफ़ी इजी है बनाना, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें, ये तैयार है। लगभग 1 kg का गाजर है और उसमें 1 लीटर मैं लगभग दूध डालूँगी। और इस तरह से दूध भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स हमारे हेल्थ के लिए, कैल्शियम प्रोटीन सब कुछ मिलता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और गाजर में आयरन विटामिन ए का तो भंडार है, बहुत अच्छा है और हमारे ब्लड को प्योरीफायर करता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत हेल्दी है, तो हेल्दी वेल्दी हो जाएं, सब लोग इन्जॉय करें और खुश खुश रहें। ये खुशबूदार और विंटर का जो स्पेशल ये डिज़र्ट है, ट्राई करें मेरे स्टाइल में, ट्राई करें। ये इलायची है, मुझे सिर्फ दाना लेना है और छिलका नहीं डालना है। और जो इलायची है फ्रेंड्स, वो हमें 10 से 15 मिनट बाद डालना है ताकि खुशबू अच्छे से बनी रहती, बहुत पहले ना डालें, थोड़ा 10 मिनट बाद डालें। और इलायची भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुशबूदार है, हलवा को भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो ये बहुत अच्छा, देखिए इस तरह से। अरे, चीनी भी डालना होगा। बगैर चीनी का तो डेज़र्ट तैयार ही नहीं होगा, पर चीनी चले, कभी कभी चीटिंग डाइट होनी चाहिए वीकेंड में, संडे में। पर कभी कभी मैंने कहा चलें अब फ्लेम तेज़ कर दें, हाई कर दें, ताकि मिल्क जो है हमारा, दूध जो इसमें मैंने डाला है, ये दूध जल्दी से ड्राई हो जाए, इसलिए फ्लेम हाई रखना है। इस तरह देखिए कितना ज़बरदस्त उबाल आ रहा है। और फ्रेंड्स, ना इसे मैं खोआ डालूँगी, ना कंडेंस मिल्क डालूँगी, ना दूध का पाउडर डालूँगी, पर ये जो इसमें मैंने दूध डाला है वही जो है ड्राई होकर खोआ खोआ सा टेस्ट देगा, काफ़ी ज़बरदस्त दानेदार वाइट वाइट सा दिखेगा जब तैयार होगा, तब देखें आप कितना अच्छा। ये किशमिश डालूंगी, किशमिश फ्रेंड्स हमें थोड़ा पहले ही डाल देना है, 5 से 10 मिनट के बाद ही डाल दें जल्दी, ताकि ये फूल फूल सा जाए, जूसी जूसी सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाए। पर बाकी ड्राई फ्रूट्स मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं।
और बहुत ही इजी स्टेप है, इसका प्रोसेस काफ़ी इजी है। ये देखें इस तरह से, और बिल्कुल आपको वहाँ खड़ा होकर नहीं बनाना है, आप कमरे में जाएं, इधर उधर जाएं, बाकी काम करें, या आप डिनर लंच जो बना रही हैं बनाएं, ये साइड में अपना आराम से पकता रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करता। काफ़ी इजी है, मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज में बनाएं, इसलिए मैं पहले ही बताई हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही। और ये ड्राई हो चला, और जब कोई चीज़ इजी होता है बनाना तो बंदा जब चाहे बनाए, और जब कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, कोई डिश बनाना, कोई रेसिपी बनाना, तो हम कतराते हैं और जल्दी नहीं बनाना चाहते। बस ये स्टाइल में आप बनाएंगी, ये देखिए ड्राई हो रहा है, तो आप जब इस स्टाइल में बनाएंगी तो जब चाहें तब बनाएं, जब चाहें तब खाएं। मैं तो अभी आधा बना चुकी हूँ, आधा दो चार दिन बाद ट्राई करूँगी, अभी विंटर है तो ये आराम से एक बार बनाएं तो चार पाँच दिन खाएं, बस गर्म करें और खाएं। ये देखें अब मैं डालूँगी इसमें देसी घी, घी के भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स फ़ायदे हैं। तो हालांकि दूध सूखते ही उसमें घी का फ्लेवर आ जाता है, जब हम लोग घर में मलाई बनाते हैं खुद से, होममेड मलाई से घी जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो बस वही है, इसमें दूध सूखेगा और अपने खुद ब खुद घी की खुशबू आती है, लेकिन फिर भी घी तो बनता है डालना। और हमारी दादी नानियाँ तो कहती थीं कि बेटा घी खाया करो, रोटी में लगा के खाओ, हलवा में खाओ। तो ये ट्रेडिशनल है, बरसों बरसों से, सदियों से ये जो स्टाइल है, ये अंदाज है, ये चला आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज और स्टाइल है ये, और सदियों तक, कई पीढ़ियों तक चलेगा। ये गाजर का हलवा किचन की शान होती है, विंटर की शान होती है। और ये घी क्या बात है, क्या खुशबू है। बस ये लास्ट में हमें डालना है, बस सर्व करने से पहले, यानी गैस बंद करने से पहले दो मिनट पहले डालें और खूब भूनें, खूब बिल्कुल ड्राई कर दें हलवा को। ये दूध बिल्कुल सूख गया है, मेल्ट हो रहा है घी, देखें क्या गजब का है। और इसी अंदाज में, इसी टाइप से बनाएं, ये छोटी छोटी खुशियां आपस में एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें विंटर को। ये थोड़ा सा मैंने खाने के अंदाज से अपना डाली हूँ इसमें माइक्रोवेव में, ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए, बीच में एक दो बार पलट देना है। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस में इसे अच्छे से भून लें, बहुत अच्छे से, पानी दूध कुछ ना रहे बस। और ये तीन ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश तो डल चुकी, ये बादाम, पिस्ता और काजू। तो बादाम हमें थोड़ा पानी में भिगोकर डालना है, बारीक कट करके इस तरह से गार्निश कर लें, थोड़ा पहले डाल दें, थोड़ा गार्निश कर लें। तो ये रॉयल सा टेस्ट, रॉयल सा लुक आ चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही यम्मी, मतलब आप ज़रूर ट्राई करें मैं तो कहूँगी, और बार बार आप बनाएंगी, क्योंकि बहुत ही ईजी प्रोसेस है और काफ़ी शानदार है। मेरे घर में तो सब लोग तारीफ़ें करते नहीं थक रहे हैं, और जब कोई इतनी कॉम्प्लीमेंट, इतनी तारीफ़ें मिलती हैं तो हम तो, जितने लोग हैं आप और हम, सब को यही फीलिंग आती है कि बस हमारा जो मेहनत है, हमारी जो लगन है, मोहब्बत से जब हम कुछ बनाते हैं चाहत से, तो वो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अंदर से। ये देखिए पिस्ता, किशमिश और दूध जो ड्राई हुआ, उससे खोआ खोआ सा, बिल्कुल दरदरा सा, बहुत शानदार। और ये है हमारा ज़बरदस्त सा टिप आज का, आपको कद्दूकस करना है ये तो ग्राइंड करना है, तो मेरे स्टाइल में करें, मेरे इससे टिप, मेरे सुपर डुपर टिप इस तरह से चलें, करते हैं। हाँ यही है मेरा आज का टिप, ज़बरदस्त सा बिल्कुल दरदरा ग्राइंड हुआ है। ये देखें 2 kg 4 kg जितना भी गाजर है, इसी तरह 2 सेकंड 4 सेकंड चलाएं रोके, बिल्कुल दरदरा सा गाजर ग्राइंड होगा। और मेरी प्रीवियस वीडियो भी है गाजर को ग्राइंड करने के लिए, मैं उस पर उसका लिंक इसमें डाल दूंगी, आप चाहें तो वहाँ देख लें। तो इस तरह से अब ना उंगलियाँ ज़ख्मी होंगी, ना नाखूनें टूटेंगी, ना हमें मुश्किल होगी कि इतना सारा गाजर कैसे कद्दूकस की जाए। तो बस यही टिप है, इसे फॉलो करें, मेरे स्टाइल में डिज़र्ट बनाएं, मेरे स्टाइल में गाजर ग्राइंड करें, बहुत इंजॉय करें विंटर को इस डिज़र्ट को, और ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी ज़बरदस्त ये डिज़र्ट है, मेरे स्टाइल में बनाएं।
और दुआओं में याद रखें फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें।